होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्री में इस्टेब्लिश करना और मेंटेन रखना होता है. लॉ एंड ऑर्डर जो लॉ एंड जस्टिस बनाया गया है उसमें जो है उसका काम है कि सभी को जो है कानून न्याय मिले और जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है जिससे कि जो है सभी रिलीजियस में जो है उनको जो है बराबर का जो है न्याय मिलना चाहिए. लेकिन आज की जो सिचुएशन है उसमें जो प्रॉब्लम है कि जो सिर्फ लॉ बनाना जो एक कार नहीं होता, उसको फॉलो करना कि हम कैसे कितना फॉलो करते हैं ये हम पर भी डिपेंड करता है. तो इसके लिए जो है रिसेंटली जो क्राइम होते हैं सोल्यूशन है कि जो रिसेंटली क्राइम होते हैं जो उनका जो तुरंत ही निवारण करना चाहिए, पेंडिंग में नहीं जाना चाहिए कि जो है जिसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए जो जिस क्राइम का है. और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसको जो सजा मिली है जो जेल में सजा काट रहे हैं उसका जो है तुरंत निवारण करना चाहिए कि सालों से जब सजा काट रहे हैं कुछ हो रहे हैं उनको जो है न्याय नहीं मिल रहा है जो और उसको जो पेंडिंग में डालना चाहिए. दूसरा कि जो गांव और छोटे शहरों में भी ग्राम न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उनको बड़े शहरों में बड़े कोर्ट में जो है भाग दौड़ ना करना पड़े केस के लिए कि बहुत से केस ऐसे होते हैं जिससे कि वो दब जाते हैं लेकिन उनको जो है सही समय में न्याय नहीं मिलना चाहिए. तो इससे जो है एक होना चाहिए कि जो है उनको सही समय में न्याय मिले इसके लिए जो है ग्राम न्यायालय पंचायत का भी जो है वहाँ पर होना चाहिए और केस को